हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कल 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। बच्चे वो जो कि 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे हैं, यानी 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनका कल से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो उनका वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं आपको मोबाइल के थ्रू बताऊंगा कि आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा आपको आईडी कार्ड या किस प्रकार की कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर लगाना होगी, साथ ही आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर डालते हैं हम कोविन COVI। देखिए आ गया कोविन COVI.in। इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर कोविन लिखा है इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो इस जगह पे आप पहुंच जाते। देखिए ये अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ लिखा रजिस्टर एंड साइन अप, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ये मोबाइल नंबर इंटर किया, आप यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे। देखिए OTP आ गया, ये OTP हम डाल देंगे यहाँ पर। ये हमने OTP डाल दिया, अब वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये पहले के हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले से इस पर रजिस्टर कर रखा है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेरा जो रजिस्ट्रेशन करवाया था तब मैंने कर रखा था, तो मैं अब यहाँ पे ऐड मेंबर्स पे जाऊँगा। ऐड मेंबर पे गए, देखिए यहाँ पे आप जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया है। इसके बाद मेल फीमेल जो भी है उस पर आप टिक करेंगे। मैंने मेल है तो मेल पर टिक कर दिया मैंने। इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, तो मैं ईयर ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया 2005। अब आईडी प्रूफ, बच्चों को क्या क्या आईडी प्रूफ लगेगी वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, फ़ोटो पासपोर्ट लगा सकते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का अगर कुछ है तो वो लगा सकते हैं, स्टूडेंट फ़ोटो आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। मतलब बच्चे के जो स्कूल का आईडी कार्ड होता है वो भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लगा सकते हैं। मान लीजिए ये भी नहीं है बच्चे के पास, तो बच्चे डायरेक्ट स्कूल में जाके लगवा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कल से स्कूल में लग रहे हैं सब बच्चों के लिए, तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो बिना किसी उसके, यानी कि उसके पास कोई भी अगर आईडी नहीं है तो भी वो स्कूल में जाके लगवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर उन्हें जानते हैं, उनको पता है कि ये बच्चा हमारा स्कूल का है और इसकी एज इतने से इतने तक है, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट लगवा सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जाता या आप स्कूल नहीं ले जाना चाहते तो इनमें से कोई भी उसका जो आईडी है वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पर यहाँ पर आधार कार्ड को क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ आधार नंबर डालना है, चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब मुझे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, तो मैं ऐड मेंबर पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड मेंबर पे एक क्लिक हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वो हो चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए नाम आ गया बच्चे का। अब मुझे यहाँ पर स्लॉट बुक करना है, तो यहाँ पर लिखा है शेड्यूल, इस शेड्यूल पर जाऊँगा मैं। ये शेड्यूल पर गया, अब यहाँ पे मुझे अपना सेंटर ढूंढना है कि किस सेंटर में जाके मैं अपना रजिस्ट्रेशन अपना वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ। तो मैंने पहले बताया कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल में जाके करवाइए, अगर आपको स्कूल नहीं जाना है तो आपको कैसे करवाना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे लिखा है इंटर योर पिन, मैं चाहता हूँ कि आप पिन के थ्रू अगर जाएंगे तो जल्दी आपको आपका स्लॉट आपके एरिया में स्लॉट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ लिखा सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं। ऐसा करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट लिखेंगे, जैसे आप MP के हैं तो MP लिख देंगे, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट जैसे भोपाल से हैं आप तो भोपाल लिख देंगे और फिर सर्च कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पिन के थ्रू ढूंढें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने एरिया का पिन कोड तो आपको पता ही होगा, वो आप पिन कोड यहाँ पर डाल दिए। जैसे मैंने डालता हूँ, ये मैंने पिन कोड डाल दिया। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने सर्च पे गया और यहाँ पे मैंने मंडे 3 जनवरी डाला, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे स्लॉट आ चुके हैं और इनमें से किसी भी स्लॉट में मैं जा सकता हूँ और किसी पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। ठीक है, ये गांधीनगर मुझे मिला है, यहाँ पर मैं अपना स्लॉट बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बच्चे का नाम भी आ गया। अब स्लॉट मुझे बुक करना है, कौन से स्लॉट पर, यानी किस टाइम पर मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा जाना, वो मैं स्लॉट यहाँ पे ढूंढ लूँगा। चलिए मैंने ढूंढ लिया है 11 से 1 बजे तक का, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ आ गया वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया आपके पास, तो ये आपके पास आ चुका है कि आपका जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिसिप्ट का को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखिए डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपका जो वह है रिसीव, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गए, मैं ओपन करता हूँ उसको।
ये ओपन किया। देखिए इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिसिप्ट आ गई है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक सीक्रेट कोड होगा, ये 4 डिजिट का एक सीक्रेट कोड होगा, ये सीक्रेट कोड आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, तब जाके आपका वहाँ पे वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें ताकि वो स्कूल जाना शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।